वाला है। हरदा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में लाखों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। चश्मा खरीदी को लेकर विभाग द्वारा जांच भी कराई गई थी, जिसमें शासन के नियमों को ताक पर रखकर चश्मा खरीदी की गई थी और महज कोटेशन के आधार पर चश्मे खरीदे गए, जिसमें छात्र छात्राओं बुजुर्ग नेत्र रोगियों के चश्मों की खरीदी में ई निविदिता नहीं की गई और चश्मे हेतु स्थानीय स्तर से 3 कोटेशन के माध्यम से आर्डर कर रहे के राजौरिया, ICC कंसल्टेंट सविदा, सुभाष चंदेल जिला लेखा प्रबंधक सविदा, NHM यूनिट हरदा दोषी पाए गए। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें क्या था कि शासन द्वारा बच्चों के लिए चश्मे और वृद्धजनों के लिए चश्मे खरीदना था, तो उसमें नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया का पालन करना था, परंतु टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए लोकल कोटेशन पर ही सामग्री खरीदी कर ली गई और उसकी भी कोई स्टॉक एंट्री यहाँ पर दिख नहीं रही। कौन है दोषी सर इसमें? इसमें दोषी हैं एक तो KK राजौरिया और सुभाष चंदेल। किस पोस्ट पे दोनों? एक तो है IC कंसल्टेंट है और एक जिला लेखा प्रबंधक। क्या कार्रवाई होगी, कहाँ पत्र लिखेंगे इसके लिए? जांच करा ली गई है और दोषी पाए गए हैं, डायरेक्टरेट को पत्र लिख दिया गया है कार्रवाई करने के लिए। अभी क्या सस्पेंड किया है क्या? अभी चल रही है, अभी प्रक्रिया चल रही है कार्रवाई की।